कृषक बंधुओं, आप सभी किसान भाइयों का फार्म सिग्मा में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी कृषकों को एक और व्यावसायिक फसल कलौंजी फसल की उन्नत जानकारी, जिसको हम ब्लैक क्यूमिन भी बोलते हैं, जिसकी जानकारी हम जल प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई रेखा, खरपतवार प्रबंधन, संबंधित कीट व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन एवं सबसे महत्वपूर्ण होगी आर्थिक समीक्षा। किसान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे किसान भाई से सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकॉन को भी दबाने का कष्ट करें। कलौंजी की खेती रबी मौसम में की जाती है। कलौंजी जो है एक औषधीय पौधा है और हमारा जो घर का जो किचन होता है, किचन का सबसे महत्वपूर्ण मसालों में कलौंजी की गिनती की जाती है। इसकी खेती राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि राज्यों में की जाती है, लेकिन इसकी खेती में गुजरात जो है वो सबसे अग्रणी है। मध्य प्रदेश में इसकी खेती जो है वो शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर और रीवा और मंडला में भी इसकी खेती बहुतायक रूप से की जाती है। इसके अंदर में 0.5 से 1.6% तेल पाया जाता है, जो कि अमृत धारा इत्यादि जैसे औषधियां होती है उनको बनाने में काम आता है। ये जो है इसका औषधि अचार और मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में जो कलौंजी है उसका औसतन उत्पादन 3 से 4 क्विंटल प्रति एकड़ है। अब आपको मैं बता दूं कि जो कलौंजी है वो हृदय के मरीजों के लिए और एक बहुत अच्छी स्मरण शक्ति अच्छी हो जाए इसके लिए, कलौंजी को अगर शहद के साथ मिला करके दिया जाए तो जिनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक है उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हो सकती है। इसके लिए जो अच्छे जल निकास वाली कार्बनिक पदार्थ युक्त बलुई मिट्टी सबसे अच्छी उपयुक्त मानी जाती है, जिसमें कि जीवांश पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा हो। पीएच मान इसका 6 से 7 होना चाहिए। इसकी जो किस्में जो है वो है NRCSS, AN INS 44, NS 32, अजमेर कलौंजी, काला जीरा, राजेंद्र श्याम, पंत कृष्णा इत्यादि। इसमें जो होता है जो फसल अवधि होती है 4 से 5 माह की होती है। बीज दर 3 से 4 किलो प्रति एकड़ उपयुक्त है। कलौंजी की जो किस्में और उनका उत्पादन है, जैसे ये आप देखेंगे कि जो NRCSS NN है इसका 5 क्विंटल प्रति एकड़ आता है, आजाद कलौंजी को 3 से 4, और ये 135 दिन है, 130 से 135, 140 से 150 दिन, मतलब जो ज़्यादा ज़्यादा जो प्रजातियाँ हैं वो 150 दिन के अंदर में पककर तैयार हो जाती हैं। बात हम करते हैं कलौंजी के लिए जलवायु और तापमान। जलवायु और तापमान का जहाँ तक सवाल है, ये आर्द्र और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। इसमें अंकुरण के समय इसका तापमान 20 से 25 होना चाहिए और पौध वृद्धि के समय 15 से 20 और पकने के समय यह 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सबसे अच्छा तापमान माना गया है। बुआई का जो समय है वो अक्टूबर माह से नवम्बर माह तक कलौंजी की बुआई कर सकते हैं। इसके लिए जो बीजोपचार है वो अत्यंत जरूरी है। जो हम जैविक बीजोपचार करेंगे उसको हमेशा आपको बोलते आए हैं कि ट्राइकोडर्मा विरिडी सुडोमोनास उपचारित करें। अगर हम रासायनिक उपचार करेंगे तो कार्बोक्सिन और थायरम से, और इसके लिए राइजोबियम कल्चर और जो PSB है ये दोनों जो है इसका कल्चर भी इसमें करें, जिससे कि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बराबर हो सके। फसल का अगर हमको उत्पादन बढ़ाना है तो हमको गहरी जुताई कराना जरूरी है। अंतिम जुताई के पहले मिट्टी परीक्षण कराना आवश्यक है। रोटावेटर करने से पहले गोबर की खाद को उपचारित करें। हम गोबर की खाद को ही उपचारित करें ट्राइकोडर्मा से, सीडोमोनास से और माध्यम कल्चर से। अच्छी प्रजाति का हमको चुनाव करना चाहिए। बीज बुआई से पहले बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। बात आती किसान भाइयों, बीज की बुआई जो है वो ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति से आवश्यकता रूप से करें। पानी का प्रबंधन अभी जो नई सिंचाई पद्धति है टपक या फव्वारा सिंचाई से करें, और जब पानी देंगे उससे तो नियमित रूप से दें। जल विलय खादों का फसल अवस्था के अनुसार जल विलय खाद दें। जैविक खाद, जैविक कीटनाशकों का 75% फसल पर उपयोग करें। समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन करें। फसल को आर्थिक नुकसान क्षमता के ऊपर रखने की कोशिश करें। बात आती है हमारी कलौंजी फसल की जो पौध रोपणी विधि है, कतार से कतार की दूरी 30, पौधों से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर, बुआई की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिंचाई का प्रबंधन हम जहाँ तक सवाल है, कलौंजी की बीज बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करना चाहिए, या हम ये देख लें कि हम पलेवा दे दें उसके बाद भी हम उसकी बुआई कर सकते हैं, या फील्ड कंडीशन में आ जाए उसके बाद हम इसकी बुआई कर सकते हैं। कलौंजी की जो फसल है वो 15 से 20 दिन के अंतराल पर इसकी सिंचाई करते रहना चाहिए। फूल बनते समय और फलियों में दाना भरते समय इसकी सिंचाई करना चाहिए। बीज की बुआई के बाद फसल में दोया सिंचाई, बाकी जो खाद की मात्रा जो है वो दे देनी चाहिए। सिंचाई जो है स्थानीय स्थिति और मिट्टी के आधार पर ही उसकी सिंचाई
करना चाहिए। दूसरा ये है कि जब भी हम पलेवा देते हैं, पलेवा देने के बाद खेत पर पाटा चला दें और उसके बाद हम इसकी बोनी करें। खरपतवार प्रबंधन में जो पारंपरिक यांत्रिक रासायनिक विधि जैसे गर्मियों में गहरी जुताई है, जिससे कि खरपतवार को हम मुक्त फसल रखना, बरपा से मुक्त फसल रखना चाहिए। उसके बाद जो हम बुआई नहीं कर रहे हैं तो फ्लोक्लोरेलिन, और बुआई करने के बाद अंकुरण से पहले पेंडेमिथालिन का छिड़काव करें। बात आती है कीट एवं व्याधि प्रबंधन की, इसमें माहू की शिकायत आती है, इसके लिए नीम ऑयल, इमीडिया क्लोप्रेट, थायमेथेक्सेम और जो है ये 0.6 मिली प्रति लीटर के मान से थायमेथेक्सेम का छिड़काव करें। नीम ऑयल का जो है वो 75 ml प्रति टंकी के अंदर में इसका उपयोग छिड़काव करें। इमीडिया क्लोप्रेट जो है वो 0.5 मिली प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। बात आती है हमारी कटवर्म की, ये कटुआ इल्ली जो लगती है इसके लिए बोवेरा बेसियना, एवामेक्टिन, बेंजोएट, क्लोरेंट्रिप्रोल, कार्बाफ्यूरॉन, ये दवाइयाँ जो रेकमेंड की गई हैं उनको इसमें चलाएं और शाम के जो है 5-6 बजे थोड़ा सा उस समय जो है इसका नियंत्रण करें। बात आती है हमारी कलौंजी में लगने वाले रोग, एक तो रूट रॉट जो है इसमें खास करके आता है, उसके लिए हमें जो दवाइयाँ बताई गई हैं जैसे फोस्टोटाइल या थायफोनेट मिथाइल है, इनकी जो है हम ड्रेंचिंग कर सकते हैं। ड्रेंचिंग के पहले नमी का होना आवश्यक है, ड्रेंचिंग के बाद हम इसको सिंचाई ना करें। बात आती है हमारी पोषण प्रबंधन की, जैविक खाद जो है वो 5 टन, सिंगल सुपर फास्फेट 150 किलो, सूक्ष्म पोषक तत्व 8 से 10 किलो और पोटाश 20 किलो प्रति एकड़ के मान से हम ये आधार खाद इसमें दें। अब ये जो है गाइडलाइन के लिए है, लेकिन हम जब मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट देखते हैं उसके आधार पर भी हम इसकी अनुशंसा खाद की कर सकते हैं। बात आती है हमारी पर्णी छिड़काव की, 19-19-19 है, 13-40-13 है, 52-34 है, उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट, इनका भी हम कलौंजी फसल के ऊपर पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं, इसके भी अच्छे परिणाम किसान भाइयों को मिल रहे हैं। बात आती है उन्नत से सिंचाई और परंपरागत सिंचाई की, जिसमें पानी की बचत है, समान रूप से सिंचाई है, ऊर्जा की बचत है, खरपतवार रोगों में कमी है, बेहतर गुणवत्ता और उत्पादन है और श्रम की लागत भी कम से कम होती है। बात आती है हमारी कलौंजी की उत्पादन की, जो उपज है इसकी परंपरागत खेती से 3 क्विंटल और उन्नत खेती से 8 क्विंटल। बात आती है हमारी आर्थिक समीक्षा के, जिसके बारे में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि इसमें हमको लागत कितनी आती है, 16,000 रुपये, 17,600 रुपये अतिरिक्त खर्च जोड़ने के बाद। अगर हम परंपरागत खेती की बात करें तो इसमें जो आर्थिक समीक्षा हमने की है वो कुल लागत 9,000 रुपये, अतिरिक्त खर्च जोड़ेंगे तो 9,900 रुपये। अगर हम आय की बात करते हैं तो परंपरागत पद्धति से 35,100 रुपये शुद्ध आय है, यही हम उन्नत खेती से लेंगे तो 1,02,400 रुपये। ये देखिए कि करीब करीब 65,000 रुपये जो है उसमें हमको इस खेती से, उन्नत खेती से किसान भाइयों को इस फसल से आय का स्रोत अच्छा खासा अर्जित होगा। अगर हम बात करते हैं जितने भी तौर तरीके किसान भाइयों ने किए, अगर इसको सरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से जो कलौंजी है वो एक व्यवसायिक रूप में के फसल के रूप में उभर के आ रही है और हमारे किसान भाई इसकी अच्छी से अच्छी खेती करें। पान सिंगवा मोबाइल एप्लीकेशन जो है, ये जितने भी ये विक्रेता लोग हैं ये लोग कोशिश करेंगे किसान भाइयों को डाउनलोड कराएं, और ये अगर प्ले स्टोर में जाएंगे तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको 70 फसलों की जानकारी प्राप्त होगी, साथ साथ आपको मौसम का पूर्वानुमान मिलेगा, मंडी भाव के अपडेट्स मिलेंगे, मिट्टी परीक्षण की आधार पर एनालिसिस की, मिट्टी परीक्षण की जो रिपोर्ट है इसके आधार पर हम आंकलन कर सकेंगे अगली फसल की, साथ साथ हम व्यक्तिगत जानकारी, व्यक्तिगत जो सलाह है वो भी हमारे विशेषज्ञों के द्वारा समय समय पर किसान भाइयों को मिलती रहेगी। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले बोलना चाहूँगा कि हमारे कृषक बंधु सीधे फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जाकर के सीधे हमसे जुड़ सकते हैं, ये नई नई जानकारियाँ जो है उनको वहाँ से भी मिल सकती है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद।